Assalamu alaikum. This is Amna Ashraf from IMS Discussion Forum. The topic of the session is Roadmap for Intellectual Warfare. ये प्रेजेंटेशन उन सब डील्स के लिए एक गाइडेंस मैसेज होगा जो इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर में अपना इनपुट देना चाहते हैं और उनको कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं. तो ये प्रेजेंटेशन जो है पूरी सुनें और इसका फीडबैक दें और जो क्वेश्चंस होंगे वो भी पूछें. तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए प्रेजेंटेशन की तरफ मूव करते हैं. आई एम इन्वाइटिंग जुनेद अलाउद्दीन फ्रॉम CH7. यस जुनेद, यू कैन शेयर योर स्क्रीन नाउ. बिस्मिल्लाह, आप सबको स्क्रीन नजर आ रही है? जी जुनेद, नजर आ रही है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. ये आज का टॉपिक जो है वो रोड मैप के अंदर से अवेयरनेस के चैलेंज को टारगेट करके उसके ऊपर प्रेजेंटेशन बनाई गई. इसमें अगर आप रोड मैप जो हमने पहले शेयर किया था हमारे ग्रुप ने भी, उसके अंदर हमने कुछ चैलेंजेस आइडेंटिफाई किए थे जिसमें अवेयरनेस, लिटरेसी, डेवलपमेंट, स्टेम वगैरह डिफरेंट चीज़ें थी और उसके साथ उससे एसोसिएटेड प्रोजेक्टेड टाइमलाइंस भी उसके अंदर मेंशन थी. पर ये वाला जो है सेशन, ये आज अवेयरनेस को पर्टिकुलरली टारगेट करके कि किस तरह हम अवेयरनेस वाले चैलेंज को अकम्पलिश करेंगे. सबसे पहला सवाल जो किसी भी टॉपिक के बारे में वो यही होता है कि क्यों अवेयर क्यों होना चाहिए एक मुसलमान को. तो जनरली स्पीकिंग अवेयरनेस जो है वो आपकी ड्राइविंग फोर्स होती है. वाई का जो सवाल होता है वो आपकी ड्राइविंग फोर्स होती है. कि जिस तरह अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई बोले कि भाई हमने आज सहरा में जाना है और एक महीने तक जो है ना रोजाना हमें सहरा जाना होगा, तो आप उससे पहला सवाल क्यों करेंगे, यही करेंगे भाई क्यों जाना है हमने, वाई हम वी गो देयर, मुश्किल वहाँ माहौल है, गर्मी है, शिद्दत है. अगर आपको ये बता दे कि सहरा में एक महीने जाने के बाद हमें वहाँ से इतने किलो सोना जो है ना वो हम खुदाई करेंगे तो मिल जाएगा, तो फिर आपके अंदर वो मोटिवेशन और एनर्जी आ जाएगी जिससे फिर आप वो काम करने के लिए तैयार होंगे. तो वाय जाना इसलिए जाना ज़रूरी है. तो अवेयर होने की सिग्निफिकेंस यहाँ से पता लगती है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान करीम के अंदर सूरह ज़ुमर में कि बोलो क्या जानने वाला और ना जानने वाला बराबर हो सकते हैं, पर वही लोग एडवाइस लेंगे जिनके पास नॉलेज है. तो नॉलेज होना इसलिए भी ज़रूरी है कि बगैर नॉलेज के आपकी कोई बात में वज़न नहीं है. तो इसलिए अवेयरनेस होनी ज़रूरी है, जानना, अवेयरनेस जानना इसलिए ज़रूरी है. दूसरी चीज़, दूसरा सवाल जो आता है कि क्या जानना ज़रूरी है, अवेयरनेस है क्या. तो अवेयरनेस तीन चीज़ों का मजमू है. एक तो ये कि हमें पता हो कि हमारा पर्पस क्या है, और पर्पस जो है वो अल्लाह ताला कुरान में ही हमें बता रहे हैं कि अल्लाह ताला ने हमें खलीफ़ातुल अर्द बनाकर ज़मीन पे भेजा. तो खलीफ़ा जो है वो एक जॉब होती है, खलीफ़ा कोई टाइटल नहीं है, कोई ऑनररी टाइटल या कोई ऐसी कोई चीज़ मिली हो, ये एक जॉब है. जॉब खलीफा ही क्या होती है कि जिसने उसको खलीफा बनाया उसके पूरे पूरे जो भी उसका लॉ है उसको जाके इम्प्लीमेंट करे जहाँ पे भी उसको भेजा गया, ये खलीफा का जॉब होता है. तो ये हमें बताना है सबको कि भाई हमारा असल पर्पस जो है ना वो दुनिया में ही है. पर्पस क्लियर होगा तो आगे एनर्जी खुद पैदा होगी कि उस पर्पस को फुलफिल कैसे करना है. फिर दूसरा सवाल ये होता है कि भाई उस पर्पस को फुलफिल कैसे करें. तो उसमें रसूल अल्लाह सल्लम की एक हदीस है जिसमें कमोबेश वो इन अल्फाज बताते हैं कि यह हजतुल विदा के मौके पर उन्होंने फरमाया कि मैं तुम्हारे बीच दो चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ, कुरान और अपनी सुन्नत. इन दो चीज़ों को पकड़ कर रखेंगे तो हमें पर्पस जो है ना फुलफिल करने का तरीका मिलता रहेगा. किस तरह करना है, क्या करना है, कुरान से पता लगेगा. किस तरह करना है, रसूलुल्लाह सल्लम की सुन्नत से पता लगेगा. तो इन दो चीज़ों को मजबूती से पकड़े रहेंगे तो हमें पता लगता रहेगा कैसे करना है. फिर हमें ये पता हो कि क्या तरीका है जिससे हमें पता लगे कि हमने पर्पस की फुलफिलमेंट जो है ना हमारी हो रही है. एक बेंचमार्क होता है जिससे हमें पता लगता है कि हाँ भाई हम अपने पर्पस के ऊपर चल रहे हैं. तो उसके ऊपर रसूल सल्लम की जो हदीस है उसमें एक उन्होंने फरमाया साहबी को कि तुम ऐसा वक्त देखोगे कि एक औरत हीरा से काबा की तरफ सफ़र करेगी अपने साजो सामान के साथ,
और उसको अल्लाह के सवा किसी और चीज़ का डर नहीं होगा। तो ये इतनी एक इम्पॉर्टेंट गेज मार्क है कि भाई अगर एक औरत भी आपकी जगह पर जहाँ पे मुस्लिम पूरा एक सिस्टम इस्टेब्लिश्ड है वहाँ पे अकेले ट्रेवल करे और उसको किसी चीज़ का डर ना हो, तो ये आपके लिए अच्छा इंडिकेटर है कि आपने जो है ना अपने पर्पस की तरफ सफर प्रॉपर कर रहे हैं, आप उसमें कोई सक्सेस आपको अचीव हो रही है। उसके बाद अवेयरनेस का हमने काम करना है, हमने इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर की लड़ाई करनी है, अब हम सोल्जर बन गए हैं। अब सोल्जर के पास जाना कोई स्किल सेट होना चाहिए जिसके साथ वो जंग को कर सकता है। तो जंग को करने के लिए उसके पास क्या चीज़ें हैं, एक तो ये कि क्रिटिकल थिंकिंग हो। क्रिटिकल थिंकिंग एक इंटेलेक्चुअल वॉरियर के लिए क्यों ज़रूरी है कि जब वो इन्फॉर्मेशन ले रहा हो, और ये कुरान से भी साबित होता है, अल्लाह ताला कुरान में कई जगह फरमाते हैं, एक एग्जाम्पल इसका ये है कि अफअल्ला तदब्बर करूँ, कि तुम सोचते क्यों नहीं, फिक्र क्यों नहीं करते, तुम तदब्बर क्यों नहीं करते। तो जब आपके पास कोई डेटा सेट आ रहा हो, कोई नॉलेज आ रही हो किसी भी सोर्स से, कोई आलिम से, कोई आजकल हमारे पास सोशल मीडिया के जरिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन आती है, तो उसके ऊपर हमने क्रिटिकल थिंकिंग अप्लाई करनी है कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है। उसको आगे फैलाने से पहले हमने ये ज़रूर उसको जांचना, उसको इंश्योर करना है कि कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन हो, वरना हम कोई गलत चीज़ फैलाएंगे तो हम जो है ना इस्लाम के खिलाफ काम कर रहे होंगे। तो ऑथेंटिक प्रॉपर बिल्कुल वेरीफाइड चीज़ों को हमने आगे किया, तो ये हमारे पास एक स्किल सेट हो क्रिटिकल थिंकिंग का, कि हर वक्त हमारे अंदर जो है ना ये एक सवाल चल रहा हो, आगे पीछे करने से पहले उसको एक्सेप्ट। इसमें टीचर में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब आपने अवेयरनेस फैलानी है तो आप टीचर का रोल प्ले करेंगे, कि उसको ये बताओ कि मैं इस वक्त किस इमोशन में हूँ और जो सामने सुनने वाला है वो इस वक्त किस इमोशन में, और अपनी बात को उस लिहाज से वो रखे कि हाँ भाई ये इस इमोशन की हुई बात को अब ज़्यादा आसानी से लेगा। इसमें एक हमें वाक्या मिलता है रसूलुल्लाह सल्लम का, उसमें उन्होंने आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को फरमाया कि मुझे पता लग जाता है कि तुम मुझसे खुश कब होती हो और तुम जो है मुझसे नाराज कब होती हो। तो उन्होंने फरमाया आपको कैसे पता लगता है, तो रसूलुल्लाह सल्लम ने उनको फरमाया कि जब तुम मुझसे खुश होती हो तो तुम बोलती हो कि मोहम्मद के रब की कसम, और जब तुम मुझसे नाराज़ होती हो तो तुम मुझे बोलती हो कि इब्राहिम के रब की कसम, तो मुझे पता लग जाता है। तो उन्होंने आगे से बोला कि जी आपने सही फरमाया। तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस की जो है ना वो लेवल है कि अगले का इमोशन उसके वर्ड्स के जरिए, उसके जेस्चर्स के जरिए, उसके वर्ड चॉइस के जरिए आप जज कर सकें कि उस वक्त वो किस इमोशन में है, तो आपने उससे किस तरह बात करनी। इसके बाद फिर है पेशेंस हो, बगैर पेशेंस के आपने जो है ना वो अवेयरनेस करने गए तो आपको जब आगे से काउंटर चीज़ें होंगी तो आपका जो है ना पेशेंस लूज होगी, तो आप इस्लाम के जो है ना भगाने वाले बन जाएंगे, इस्लाम की तरफ बुलाने वाले के बजाय आपकी बात कोई लेगा नहीं। पेशेंस के बहुत सारे वाकयात हैं, सबसे बड़ा वाकया तो वही है कि रसूलुल्लाह सल्लम जिन्हें जब फतह मक्का का मौका था, इतने से जो जुल्म साहब आता साहबा ने रसूलुल्लाह सल्लम ने खुद भी, और फतह मक्का पर किस तरह उन्होंने आम माफ़ी का ऐलान किया, यहाँ तक कि जो जिस बंदे ने जो बाद में इस्लाम भी ले आए, हज़रत हमजा रजी अल्लाह तआला का कत्ल किया था उनको भी माफ़ किया, और अबू सुफियान की जो वाइफ थी हिंद, उन्होंने जिन्होंने उनका कलेजा निकाल कर चबाने की कोशिश की थी उनको भी माफ़ किया, उनके हाथ से भी बैत ली। और फिर एक आम हालत में भी, ये तो बड़े वाक़े आते हैं, आम हालात में भी एक वाक़ आता है सही मुस्लिम में कि एक बद्दू साहबी आए मस्जिद के अंदर, और मस्जिद में आकर पीछे दीवार की तरफ ना वो बैठ कर पेशाब करना शुरू हो गए, तो साहबा एकदम वहाँ पे बड़े, उधर रसूलुल्लाह सल्लम भी मौजूद थे, साहबा भी मौजूद थे, तो एकदम उनको रोकने के लिए बड़े, तो रसूलुल्लाह सल्लम ने उनको मना फरमाया कि नहीं भाई रुक जाओ। और फिर जब वो उन्होंने अपना कर लिया तो फिर उनको बिठा कर समझाया मस्जिद के तकद्दस के बारे में और इस्लाम के बारे में और इन चीज़ों के बारे में, और फिर जो साहबा से फरमाया कि यहाँ पर आप बाल्टी भरकर पानी बहा दें। तो ये जो है ना पेशेंस वाली स्किल सेट भी हमारे अंदर लाजमी होना चाहिए, और इसमें आप इस तरह देखें कि
पेशेंस के साथ जब उन्होंने टीच किया साहबी को, बद्दू साहबी को, तो उन्होंने कितना अच्छा उसको एब्जॉर्ब किया होगा, या बजाय इसके कि एकदम उनके ऊपर चढ़ाई हो जाती कि रुक जाओ नहीं करो तुम्हें पता नहीं है ऐसा, तो किस तरह उसको बोले थे। फिर लिसनिंग स्किल है कि आपने एज अ टीचर या अवेयरनेस जब फैलानी है तो आपके अंदर लिसनिंग स्किल हो कि आप अगले की बात पूरी सुनना, उसको समझना, उसके बाद पे तवज्जो देने का भी आपके अंदर स्किल सेट मौजूद हो। फर्ज करें आप कहीं लेक्चर दे रहे हैं या कहीं अवेयरनेस का सेशन कर रहे हैं और आपसे कोई सवाल करता है और आपने उस सवाल को सही से सुना नहीं, समझा नहीं, और उसका गलत जवाब या कोई और इंटरप्रिटेशन करके उसको गलत समझ के आधा सवाल सुन के उसका जवाब देना शुरू कर दिया, तो वो आपको उस तरह फिर उसकी वैल्यू नहीं रहेगी आपकी उसके जहन में कि भाई ये तो पूरी बात सुनता ही नहीं, मेरे पॉइंट को ये समझा ही नहीं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या स्टाइल था लिसन करने का कि वो जब किसी की बात सुनते थे तो पूरे तवज्जो उनकी तरफ, पूरा रुख जो जो बात कर रहा होता था उसकी तरफ होता था, दोनों आंखें और दोनों कंधे उसकी तरफ बाकायदा मोड़ के उसकी बात सुनते थे और इतनी अटेंशन से बात सुनते थे कि उसको लगता था कि मुझसे इंपॉर्टेंट अभी कोई बात कर ही नहीं रहा। तो और फिर बाकायदा उसकी बात को समझ कर फिर उसको पूरा अंडरस्टैंड कर कर उसके इमोशन को फिर उसको जवाब देते हैं। और आखिरी चीज है कि आपके पास एलोक्वेंस हो कि आपने अपनी बात को कितनी खूबसूरती से, कितने अंदाजे बयान, कितनी जामे बात, कितने कम अल्फाज में आपने करनी है, जिसमें एक बड़ा जो इसके अंदर एग्जाम्पल है वो आखिरी हज्जतुलविदा का जो पूरा बयान है वो ऐसा है कि उसको आज तक दुनिया जो है ना वो कहती है कि इससे अच्छा जो है कोई बयान आज तक आया नहीं उसके बाद। ये स्किल सेट होगा। तो उसके बाद हमने तरीके देखने हैं किस तरह हमने अवेयरनेस को फैलाना है। इसमें रसूल सल्लम की ज़िंदगी से देखें तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया जब दीन के बाद फैलाने का हुक्म आया कि उन्होंने घर में अंदर दावत की अपने खानदान वालों की, उनको सिखाया, उनको दीन की तरफ बुलाया। और उसके बाद फिर जब हुक्म हुआ कि पब्लिक में करो तो उन्होंने क्या किया, पहाड़ के ऊपर खड़े हो गए और वो मशहूर वाक्य है कि उन्होंने फिर इज्तमाही तौर पर एक स्पीच के जरिए, एक सरमन के जरिए तमाम लोगों को इज्तमाही दावत दी। इसके अलावा वो लोगों के पास घर घर जाकर, दुकानों में, उनके पब्लिक प्लेसेस में जाकर भी कुफार को, मुशरिकीन को जाकर दावत देते थे, इस्लाम के बारे में बताते थे, उनको बुलाते थे। तो ये सारे तरीके हैं हमारे पास। फिर ये है कि जब फतह मक्का हो गई उसके बाद फतह मक्का से गालिबन पहले मदीना के अंदर रसूलुल्लाह सल्लम ने फिर जो आसपास के सुलह हुदैबिया के बाद गालिबन ये वाक्य है कि रसूलुल्लाह सल्लम ने खत लिखे आसपास के जितने भी रूलर्स थे, जो किंग्स थे, जो बड़े थे, सबको खत लिखे, उनको इस्लाम की दावत दी। और उसमें हमें ये सबक भी मिलता है कि अगर किसी इन्फ्लुएंशियल पर्सन को आप इस्लाम के ऊपर कन्विंस कर लेंगे तो उसके जो फॉलोअर्स होंगे वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि उसके फॉलोअर वो उस इन्फ्लुएंशियल पर्सन की बात सुनते हैं तो वो भी इस्लाम के दायरे में दाखिल हो जाएंगे। और फिर हमने ये देखा भी कि बहुत सारे ऐसे सरदार थे जो रसूलुल्लाह सल्लम के पास आए, इस्लाम कबूल किया और फिर जब वापस अपने कबीलों में गए तो उनके पूरे पूरे कबीले ने उनके अपने सरदार के पीछे इस्लाम को कबूल किया। तो ये तरीके हम सीरा से देख सकते हैं। इसके अलावा फिर अगर हम मॉडर्न तरीके देखें तो उसके अंदर हमारे पास अभी दो मेजर उसके अंदर स्प्लिट्स हैं। एक ऑर्गेनिक तरीका है जिस तरह किताब लिखी जाए अवेयरनेस फैलाने के लिए, दरवाजा डोर टू डोर जाया जाए, इसकी जो मॉडर्न मिसाल है वो तबलीगी जमात की तरह है कि वो एक एक घर में, एक एक मस्जिद से वो एक एक घर में जाकर एक एक बंदे को दावत देती है। इमाम और मुफ्तियान कराम को इसके अंदर इस्तेमाल किया जाए कि भाई आप भी इस चीज़ की बात चलाएं, मस्जिद को जो है ना मतलब हम मोबिलाइज करें इसमें, और स्कूल्स के अंदर सेमिनार्स कराएं क्योंकि बच्चे अगर इसके ऊपर आ गए तो फिर आगे उनके लिए दीन पर चलना आसान होगा। फिर पब्लिक स्पीचेस हैं, पब्लिक स्पीचेस में ऑर्गेनिक वाली भी हैं कि किसी मजमे में जिस तरह सियासतदान लोगों को जमा कर लेते हैं इसला, या इस्लामी जमातें भी लोगों को जमा कर लेती हैं, पब्लिक के अंदर स्पीच होती है, लोगों को कन्विंस किया जाता है, और ऑनलाइन भी इसके ऑप्शंस हैं जिस तरह बहुत सारे मुफ्ती अकराम या आलम दीन जो हैं वो ऑनलाइन भी स्पीचेस करते हैं, उसके अंदर बयान देते हैं जिसमें लोग सुनते हैं। फिर हमारे दावतें हैं घर की जिसमें लोग जमा होते हैं खानदान वाले, उसके अंदर बात को रखा जा सकता है और इसका बड़ा इम्पैक्ट भी होता है और ये काफ़ी मुश्किल भी है हमारे माशरे के अंदर, पर इसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा है कि घर में दावत है, लोग बैठे हैं खानदान वाले और उनसे आप इस पर बात करें। फिर यह कि एक बाकायदा एक ऐसा इस्लामिक स्कूल जो वाकई इस्लामिक तर्ज के ऊपर बना है उस बना हो
जिसके अंदर सारी फैसिलिटीज हो, पढ़ने लिखने की भी, दीन की भी और फिजिकल एक्टिविटीज की भी सारी फैसिलिटीज हो, उसको एस्टेब्लिश किया जाए। और फिर ये है कि जो इस वक्त के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं या मीडिया पर्सनालिटीज हैं, जो जिनके पास भी इन्फ्लुएंस है, उनको कन्विंस कर लें अगर आप, तो वो जब आगे बात तो करेंगे तो वो ज़्यादा लोगों तक जल्दी पहुंच पाएगी। फिर मीडिया के जरिए में है कि भाई टीवी एड्स हैं, फेसबुक है, टिकटॉक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, मैगजीन, न्यूज़पेपर, ये सारे तरीके हैं जो आज के दिन में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब इतनी सारी जब चीज़ें आ जाएं तो उसके बाद फिर होता है कि हम किस वाले पे अपनी एनर्जीज को, अपने ह्यूमन रिसोर्स को फोकस करें, क्योंकि दुनिया में रहते हुए हमें ये तो मालूम है हमारे पास एनर्जी भी लिमिटेड है, ह्यूमन रिसोर्स भी लिमिटेड है और फाइनेंशियल कैपिटल भी लिमिटेड है, कोई भी चीज़ अनलिमिटेड नहीं है। तो हमने अपनी सारे जो एफर्ट्स हैं उसको फोकस करना है। तो उसके लिए एक सिस्टम है जो आपको हेल्प कर सकता है ये चूज करने में कि हमने किस जगह अपनी एनर्जी को फोकस करना है। उसमें तीन जो है ना कैटेगरीज हैं जिसमें आप किसी भी काम को जज करते हैं। एक है रीच, कि वो कितने लोगों तक वो जरिया आपकी बात को पहुंचा सकता है। दूसरा इम्पैक्ट है कि वो उस जरिए को आवाम किस तरह रिसीव करती है, कि मैं इस जरिए से जब काम करूंगा, किताब लिखना या न्यूज़पेपर या मैगजीन या टीवी एड या पब्लिक स्पीच जो भी है, उसको पब्लिक कितना ज़्यादा रिसीव करती है इस्लाम के मतलब इस्लाम की बात मानने के सिलसिले में। और तीसरा टाइम है कि वो काम करने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा। तो ये तीन चीज़ें हैं, इसके ज़रिए एक स्कोरिंग सिस्टम है जो आपको भी इस तरह समझ आएगा। मैं आहिस्ता आहिस्ता इसको एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा, कि इसकी हर जो कैटेगरी जो हमने पीछे डिस्कस की थी, टीवी एड्स, बुक्स, मीडिया पर्सनालिटीज़ वगैरह, उसको स्कोर किया गया है। रीच का स्कोर, कि कितने परसेंट लोगों को वो रीच कर सकता है, उसके लिए 1 to 5 उसको स्कोर दिया गया है। उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम उसके इम्पैक्ट के स्कोर से, कि वो काम कितना ज़्यादा लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं अपनी ज़िंदगी में दीन को लाने के लिए। और तीसरा है कि उसमें टाइम कितना लगेगा, जितना कम टाइम लगेगा उतना उसका स्कोर ज़्यादा है 1 to 3 4। इन तीनों स्कोर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक एग्रीगेट स्कोर आएगा। अब एग्रीगेट स्कोर आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे पब्लिक स्पीच है उसकी रीच जो है वो 3 है, इम्पैक्ट 4 है, टाइम 3 है, और उसका एग्रीगेट स्कोर बन रहा है 36। और ये जितने भी मेथड जो मैंने पीछे डिस्कस किए थे, इनकी स्कोरिंग इस तरह कर उनका एग्रीगेट स्कोर निकाल कर उसको हाई से लो पे ऑलरेडी यहाँ इस टेबल में सॉर्ट किया गया है कि ज़्यादा स्कोर क्या है, कम स्कोर किसका है। तो जिसका ज़्यादा स्कोर है हम उसको पहले हम फोकस कर सकते हैं, कि हाँ भाई हम इसको पहले फोकस करें, और इसके जो कम स्कोर वाला है, क्योंकि उसकी ओवरऑल स्कोर कम है, उसका इतना इम्पैक्ट नहीं होगा, तो उसमें हम अपनी सारी एनर्जी उसके ऊपर ना लगाएं फिलहाल। तो इसके अंदर और भी फैक्टर्स डाले जा सकते हैं, जिसका रीच, इम्पैक्ट, टाइम के अलावा मनी का फैक्टर भी डाला जा सकता है, पर क्योंकि वो अभी मेरे पास इतनी ज़्यादा नंबर्स नहीं थे उसको मैंने नहीं डाला, पर उसको भी डालेंगे तो वो भी हमारे एग्रीगेट स्कोर के अंदर एक इम्पैक्ट जो है ना वो डालना शुरू कर देगा। इस तरह बाकी भी जो चीज़ें हैं उनको भी स्कोर किया गया है, जिसमें से एक दो एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं कि फेसबुक जो है उसकी रीच 2 है, मतलब वो बहुत ज़्यादा लोगों तक मतलब नहीं जा सकती, ये 70 मिलियन तक है पाकिस्तान में फेसबुक यूजर्स, पर वो 100% पॉपुलेशन तो टारगेट नहीं कर रहे। फिर उसका इम्पैक्ट भी इतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि लोग फेसबुक से दीन इतना ज़्यादा लेना पसंद नहीं करते। हाँ, टाइम उसमें कम है क्योंकि आप उसमें एड्स वगैरह चलाकर टाइम जो है ना वो कम टाइम के अंदर अपने टोटल पॉपुलेशन को रीच कर सकते हैं, तो उसका ओवरऑल स्कोर फिर ये मिलाकर 20 बना। तो इस तरह तमाम स्कोरिंग करके उसको सॉर्ट किया गया। अच्छा, इसके बाद जब हमने अपने प्रोसेसेस देख लिए, अब हमने उसमें ये भी आइडेंटिफाई करना है कि इन प्रोसेस, ये अवेयरनेस का काम करते हुए हमें कौन से रिस्क सामने आ सकते हैं, तो उसके अंदर और उन रिस्क को हमने कम किस तरह करना है। रिस्क तो मतलब क्या परेशानी, क्या मुश्किल आ सकती है, और उस मुश्किल को हल करने का पहले से ही सोचें कि उसका तरीका हमने क्या अप्लाई करना है कि वो चीज़ जो है ना हमारे एक्टिविटी को तंग ना करें। इसमें एक है कि रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है, कि आपने जो चीज़ पब्लिश करने जा रहे हैं उसको लोग गलत तरह समझ रहे हैं, आप कहना कुछ और चाह रहे हैं और लोग समझ उसको कुछ और रहे हैं। तो उसके लिए है कि उसको एक छोटे ग्रुप में, पहले टेस्ट ग्रुप में उसको चेक किया जाए, उसका रिव्यू लिया जाए कि हाँ भाई आपको इस बात से क्या समझ आई,
और अगर लोगों को वही समझ आ रही है टेस्ट ग्रुप में जो आप कहना चाह रहे हैं, तो फिर बड़े ग्रुप में भी इसी तरह ही उनको समझ आएगा। उसके बाद इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है कि आपने जो चीज़ कंटेंट या जो भी आप चीज़ शेयर कर रहे हैं उसमें कोई गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं चली गई, तो उसके लिए प्रूफ रीडिंग है कि आपने मल्टीपल लोगों से उसको प्रूफ रीड करवाया कि हाँ भाई मैंने अगर कोई ऐसी चीज़ ओवरसी कर ली है, कोई गलत चीज़ जाने वाली है, तो काइंडली इसको चेक कर लें और फिर उसके बाद उस इन्फॉर्मेशन को शेयर करें। तीसरी है कि अगर आपका कोई भी मीडिया का अकाउंट है, सोशल मीडिया का, वो हैक हो सकता है या उसके अंदर कोई और उसको बाईपास करके उसका पासवर्ड वगैरह उसको गलत उसके ऊपर कंटेंट शेयर करना शुरू कर दे, तो उसके अंदर दो तीन ऑप्शंस हैं। एक तो टू स्टेप वेरिफिकेशन होती है, जिसमें जब भी आप लॉगिन करते हैं तो आपके मोबाइल नंबर पर भी एक पासवर्ड आता है जो आपको इंश्योर करता है कि कोई अनऑथराइज यूज़र आपके अकाउंट में ना घुस सके। दूसरा, आपने कम लोगों के साथ पासवर्ड को शेयर करना है अगर मल्टीपल लोग उस अकाउंट को मैनेज कर रहे हैं, और बैकअप अकाउंट्स आपके पास होंगे, जैसे ही आपका अगर फर्ज करें हो भी जाए है अकाउंट, तो आप उन बैकअप अकाउंट्स के जरिए काम को जारी भी रख सकें और ये भी बता सकें लोगों के वो अकाउंट जो है वो हैक हो चुका है। फिर पैमरा है, पैमरा जो है वो पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटिंग अथॉरिटी है कि आप मीडिया का अगर कोई भी बड़ा चैनल यूज़ करेंगे तो उसके लॉज जो है उसके साथ उसका कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, तो उसमें आपने पब्लिक इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल करना है या इन्फ्लुएंशियल पीपल को इस्तेमाल करना है कि हम जो है ना ये अपना काम तो हम जारी रखेंगे, तो इसके ऊपर जो भी ऐसे लॉज हैं उसको या तो रिलैक्स किया जाए या फिर उनको बिल्कुल ख़त्म किया जाए। तो इसके अलावा फिर है कि गवर्नमेंट बैकलैश है कि गवर्नमेंट जो है वो आपको इस काम को करने से रोके अगर उसको ऐसा कोई ख़तरा लगता है कि भाई ये तो ऐसी बात कर रहे हैं कि इससे कोई उनको गवर्नमेंट को नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है, पर जब दीन की बात है तो हमने सब चीज़ें सहनी पड़ेंगी। तो इसमें फिर हम इकोनॉमिक बायकॉट, इन्फ्लुएंशियल पीपल या प्रेशर ग्रुप्स जो कि गवर्नमेंट को प्रेशर करें कि नहीं भाई हमारी बात जो है हम ठीक बात कर रहे हैं और इसको मानने में ही जो है ना आपकी बकाया है, आपको अगर बचना है तो इसके लिए लाजमी है कि आप इस बात को समझें। और फिर एक है कि लैंग्वेज बैरियर है कि हमारे बहुत सारी ऐसी आवाम है पाकिस्तान के अंदर जो या पाकिस्तान के बाहर भी जो एक मतलब पर्टिकुलर लैंग्वेज ही बोलती है, उसको बाकी जो मम्मी लैंग्वेज है इंग्लिश है उर्दू वो उसको नहीं जानती, तो पैगाम जब हमने सब तक पहुंचाना है तो फिर हमारे पास ट्रांसलेशंस की ऑप्शन हो कि हमारा जो भी कंटेंट है वो ट्रांसलेट होकर भी डिफरेंट रीजनल लैंग्वेजेस के अंदर वो जा रहा हो। फिर शरिया कंप्लायंस है कि आपसे कोई ऐसी बात या ऐसा कॉन्टेंट ना निकल जाए जो शरिया के खिलाफ हो, या कोई आप ऐसा जरिया ना यूज़ कर लें। अभी तो मैंने जो जरिए यूज़ बताए हैं इसके अंदर वो लिमिटेड हैं, इसके अलावा और भी जराए होंगे दीन का काम अवेयरनेस फैलाने के लिए, तो आप कोई ऐसी जरिया ना यूज़ करना शुरू कर दें शरिया से कॉन्फ्लिक्ट करता हो, तो उसके लिए आपने हक पहचानने वाले और असल में इस्लाम की मदद करने वाले उलमा मुफ्तिया कराम से आपने मशवरा ज़रूर करना है कि भाई आप इसके ऊपर कोई शरई हुक्म भी बता दें कि इसके अंदर कोई ऐसा इशू ना हो इस प्रोसेस को यूज़ करने में या इस कंटेंट को शेयर करने में। और फिर डीमोटिवेशन है कि आपको अगर सक्सेस नहीं मिल रही तो आप मतलब डीमोटिवेट हो रहा है बंदा काम करने से, तो उसके लिए एक रेगुलर रिमाइंडर्स हैं, उसको ये याद दहानी होती रहे कि काम जो है वो हम सक्सेस के लिए नहीं कर रहे, काम जो है वो अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हैं। सक्सेस मिले ना मिले ये अल्लाह के हाथ में, हमने काम करना है उस काम के बदले हमारी सक्सेस तो हो जाएगी। ओवरऑल इस्लाम की उसके अंदर जो हो रहा हो फायदा वो हमें भले नजर आए ना आए, पर क्योंकि हमने एक अच्छी नीयत से और एक करेक्ट काम को सेलेक्ट किया है तो हमने इस नीयत के साथ काम को करना है, ना कि हमें जो है ना हर वक्त रिजल्ट्स नजर आते रहे। इसके अलावा फिर जब भी आपने कोई काम करना है तो उसके अंदर आपने ये जरूर रखना है कि वो काम कोई भी, क्योंकि हमें कोई वही का रास्ता तो बंद हो गया, तो हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हमें 100% श्योरिटी होगी हमने बिल्कुल सही इसके अंदर चीज़ों सेलेक्ट कर लिया। तो एग्रीगेट स्कोर वाला जो टेबल था वो टेबल भी पत्थर में लकीर नहीं है, हमने हमेशा उसको एज ए ओपन रखना है कि हमारी जो नंबर्स जो हमने निकाले हैं इम्पैक्ट के, रीच के या उसके टाइम के, उनको हम अमेंड कर सकते हैं बेस्ड ऑन हमारे पास जो फीडबैक आ रहा है, हमें पता लग रहा है अच्छा भाई ये हमने सेलेक्ट किया था प्रोसेस काम को करने का पर इसकी रीच इतनी नहीं आ रही या इसका इम्पैक्ट इतना नहीं आ रहा, तो हम अपने स्कोर को एडजस्ट करेंगे
और हमें पता लग जाएगा, अच्छा भाई इसका स्कोर अब नीचे हो गया, दूसरी चीज का स्कोर अब ऊपर हो गया, तो हम उसको टारगेट करना शुरू करते हैं। या कोई ऐसी लो इम्पैक्ट चीज थी हमने करनी शुरू की, पता लगा कि नहीं यार इसका इम्पैक्ट तो लो नहीं है, इसका इम्पैक्ट हाई है, लोग इसको ज्यादा कर रहे हैं, तो उसका स्कोर हमने बढ़ा दिया और उसके ऊपर अपनी एनर्जीज को रिटारगेट कर लिया। इसके लिए हम सर्वेज भी करें, फीडबैक फॉर्म्स भी इस्तेमाल करें और अपनी जो है ना स्कोर को एडजस्ट करते रहें। इस पर रसूल अल्लाह की एक हदीस भी है, इस पर उन्होंने सहाबी को फरमाया कि मोमिन जो है वो एक सुराख से दो दफा नहीं डसा जा सकता। मतलब अगर आपको कहीं से कोई नेगेटिव कोई इम्पैक्ट आया कहीं से, तो फिर आप उसके लिए हमेशा उसके लिए कोई स्ट्रेटजी लगाकर आपने उसको मिटिगेट करना। और फिर आखिर में ये है कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि अल्लाह ताला किसी लोगों की हालत तब तक नहीं बदलता जब तक वो अपनी हालत ना बदल लें। और इसके अंदर कौम का लफ्ज़ जो अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया है, इससे हमें ये भी पता लगता है कि जब तक इज्तमाही तौर पर या एक सिग्निफिकेंट ग्रुप के अंदर ये सोच नहीं पैदा हो जाएगी कि हमारा काम जो है वो दुनिया में खिलाफत है और इसको अल्लाह ताला के कानून को राइज करना है, तो अल्लाह ताला की मदद भी जो है ना हमारे साथ नहीं आएगी। तो ये लाजमी है कि हमारा एक सिग्निफिकेंट ग्रुप जो है वो इस काम को करे, इस अवेयरनेस को फैलाए और फिर इसके ऊपर मेहनत करते रहे। मेरी स्लाइड यहाँ तक ही थी, अगर किसी के इसमें कोई सवाल है या कोई फीडबैक है तो काइंडली इसको शेयर करना शुरू कर दें। जुनेद फॉर दिस इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन, आई होप कि टीएल्स को जो है इसे काफ़ी गाइडेंस मिलेगी। अब क्वेश्चन आंसर्स की तरफ मूव करने से पहले मैं बता दूं कि चैट में फीडबैक फॉर्म शेयर कर दिया गया है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है या फिर आईएमएस से कोई रिगार्डिंग काफ़ी क्यूरी है, क्वेश्चन है, तो वो आप वहाँ पूछ सकते हैं। और आप सब लोग प्लीज़ अपने जो नेम्स हैं उन्हें रीनेम कर लें प्रॉपर नेम के साथ, ताकि मैं उसे आइडेंटिफाई कर सकूं। ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन आंसर। जुनैद आप ये बंद कर सकते हैं अपनी स्क्रीन। ओके, द क्वेश्चन इज फ्रॉम कायनात, सॉरी कानिता फातिमा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरी आवाज आ रही है? जी जी कानिता, क्वेश्चन करें। अच्छा जी जी, मैं ये करना चाहती हूँ कि जिस तरह से जुनैद भाई ने बताया है ना कि मुख्तलिफ सोर्सेज हैं, मॉडर्न एक तरीका है, और एक जैसे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मतलब वो बात किस तरीके से पहुंचानी है, हक बात आपने कौन कौन से सोर्सेज है। अब इसमें जो एक चीज मैंने हमारे लिए सबसे ज्यादा इस वक्त जो फिक्र वाली बात है वो है हमारी यूथ, ठीक है ना। अब हमने ये देखना है कि हमारी यूथ के बहुत से क्वेश्चन हैं जिनका आंसर देने के लिए ना तो माँ बाप तैयार हैं और ना ही स्कूल में टीचर तैयार है। क्योंकि मैं ये फील करती हूँ कि जहाँ पे मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ कम अज कम कोई 8 से 10 एथीस्ट हैं, उसके अलावा बहुत से ऐसे टीचर हैं जो बच्चों को मुतमिन नहीं करते। और आगे से उनका जो कोर्स है उसके अंदर भी जाहिर है उस तरह से वो चीज़ें नहीं है, मिक्स हैं बहुत से दूसरे रिलीजन के कल्चर और ये चीज़ें सारी हैं जो उनके दिमाग को। फिर उसके बाद एक और चीज़ है कि जिस तरह से हमारे बच्चे आजकल सोशल मीडिया यूज़ करते हैं और उसके अंदर जो है वो और रिलीजन के बच्चे जो है उनकी डिस्कशन चल रही होती है, उसमें बहुत से एथिस्ट भी होते हैं उसके अंदर, और बहुत से बच्चे हैं क्रिश्चियन से हैं, उनके बहुत से सवालात हैं। अब वो वाले सवालात जो है ना वो बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि बच्चों के सवालात आजकल इस तरह से होते हैं कि जिस तरह से गज़वा बदर का बताया जा रहा था कि इस तरह से अल्लाह ताला ने फरिश्तों के जरिए मदद की, ठीक है ना। अब उसमें वो बच्चे ने ये क्वेश्चन किया है कि अगर दो तरफ हैं फौजे और एक तरफ अगर फरिश्ते उतर रहे हैं तो ये तो फिर चीटिंग है। अच्छा ठीक है, अब ये हम समझ सकते हैं लेकिन ये एक बच्चे का क्वेश्चन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है कि अगर एक बच्चा जो है किसी क्रिश्चियन घर में पैदा हुआ है और जिस तरह से हमें कुरान पढ़ाया जा रहा है और हमारे बच्चे हमारे माँ बाप हमें कुरान के ऊपर अमल करने के लिए कह रहे हैं और हमारे अकीदे को उन्होंने पुख्ता किया हुआ है, तो एक जो क्रिश्चियन बच्चा है उसके माँ बाप ने भी उसको उस अकीदे पे पुख्ता किया हुआ है, अब उस बच्चे का क्या कसूर है? अब हमने मुतमिन करने अपने बच्चों को, ठीक है ना। अब मैं ये चाहती हूँ कि किस तरीके से इन बच्चों के लिए
कौन सी सोर्स, मैं कहती हूँ इसके ऊपर भी रोड मैप बनना चाहिए कि हम किस तरीके से उन माँ बाप को ट्रेंड करें, हम किस तरीके से उन बच्चों के जेहन के अंदर ये जो सवालात आ रहे हैं, इसका सबसे बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि बच्चों के अंदर से बहुत से शकूक पैदा हो रहे हैं। उसके अलावा एक और चीज जो है जिसके ऊपर काम करना है वो ये है कि बच्चे बहुत तेजी से मुतासर हो रहे हैं वेस्ट कल्चर के, किस वजह से कि वहां पे रूल्स हैं, हमारे यहाँ पे रूल्स नहीं है जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो तेजी से अट्रैक्ट हो रहे हैं वेस्ट के कल्चर को। ये हमारे लिए देखिए हमारी यूथ है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके से देखिए अब जो हमारी एक तरबियत होनी थी वो हमारी हो चुकी है, तो हमारे लिए क्या है सबसे अहम चीज हमारी यूथ है, उसको किस तरीके से हम उनके माइंड के अंदर ये जो सवालात हैं वो किस तरीके से उनके ठीक करें, क्योंकि हालात बहुत तेजी से खराब हो रहे हैं, हमारे हाथों से हमारी यूथ जा रही है। तो ये मेरा क्वेश्चन है कि हमें ऐसा क्या इस पे काम करना चाहिए, मेरी सबसे ये क्वेश्चन है। प्लीज मैं इस वजह से बहुत ज्यादा सख्त परेशान हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि हम जहाँ तक अपने बच्चों की तरबियत कर चुके हैं वो सवालात के जवाब भी देते हैं और बहुत हद तक उनके दिमाग को सही करने की कोशिश, लेकिन मेरा सवाल है हर बच्चे के लिए क्योंकि हर बच्चा मेरा बच्चा है, ठीक है ना, तो उसके लिए मेरा यही सवाल है कि किसी तरीके से हमें क्या करना चाहिए इसके ऊपर। डॉक्टर सादिया हैं, हमना हैं, जुनेद भाई हैं, सब माशाल्लाह बहुत अच्छा इस पे मेरा ख्याल है कि इसको अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, तो इसके ऊपर भी एक रोड मैप बनना चाहिए, ये मेरा क्वेश्चन है। जजाकल्ला। इसमें अगर आपके बहुत सारे इसके अंदर बीच में सवाल थे, एक चीज जो मेरे जहन में स्टिक की है वो ये थी कि अगर कोई क्रिश्चियन घर में पैदा हो गया तो उसका क्या कसूर है, तो उसमें साहिल भाई ने बड़ा इसके अंदर क्लैरिटी के साथ मल्टीपल टाइम्स इसमें बताया है कि इंसान जितने भी है ना वो अपनी मर्जी से प्लेस हुए हैं, हमने अपनी वो हाथ उठाकर बोला था कि हमें इस मुश्किल में डाला जाए और उस मुश्किल की इंटेंसिटी भी हमने उसको पहले बताया कि हाँ भी हमें मुसलमानों के अंदर या गैर मुस्लिम के अंदर या कहाँ पे भी प्लेस किया जाए और फिर वहाँ से हम अपने टेस्ट को पास करके ना बड़े दर्जे हासिल करके आएंगे। तो जब तक वो बच्चा बच्चा है तब तक तो उस पर सवाल नहीं है, पर जब वो एडल्ट हो जाता है उसके पास थिंकिंग ब्रेन आ जाता है तो हाँ उसके ऊपर भी फिर सवाल है कि वो किस तरह उसको इस्लाम को या बाकी अपने जिस सिस्टम पे चल रहा है उसको क्वेश्चन करता है नहीं करता है, इतना शोर उसको आ गया और फिर किस तरह ढूंढ कर इस्लाम तक पहुंच कर वो कामयाबी पकड़ता है। दूसरा आपने बोला कि अवेयरनेस पे या इस काम पे किस तरह हम फैलाएंगे, तो उसकी मेरे ख्याल में प्रेजेंटेशन इसी चीज़ को टारगेट कर रही थी कि सारे तरीके हमारे पास हैं जिसमें हम यही बात कि इस्लाम का पर्पज़ क्या है, इस्लाम का पर्पज़ अल्लाह का सिस्टम जो कि बेस्ट सिस्टम है, उससे बेहतर कोई सिस्टम नहीं है दुनिया पे नाफिज करना और तमाम इंसानों को अल्लाह तक जो है ना कामयाबी के साथ पहुंचाना कि वो सुरखरू होकर पहुंचे, ये पर्पज़ है इस्लाम का और हमारा हम उसके अंदर इस्तेमाल हो जाए उस सिस्टम के अंदर, ये हमारा पर्पज़ होना चाहिए कि हम उसके अंदर मैक्सिमम अपना जो इनपुट है वो डाल सकें। तो ये चीज़ सबको सब तक पहुँचाना, मुसलमानों तक भी गैर मुसलमों तक भी, जिससे वो इस्लाम के उसमें एंटर हों इस नीयत से कि हाँ भाई ये अब हमारा काम बन गया, तो ये करेंगे अवेयरनेस के डिफरेंट मेथड्स जो हैं वो यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह इससे जो ना हमारा मसला हल होगा। और कोई इस पे कोई कमेंट करना चाह रहा हो तो प्लीज। जी बहुत शुक्रिया जुनैद। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अली प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा सवाल जो था वो डीमोटिवेट जो आपका टॉपिक था ना डीमोटिवेशन के हिसाब से था, तो सर हम यहाँ देखते हैं कि कुछ टीएल्स उसमें मैं भी शामिल हूँ, तो कुछ देर के लिए या कुछ दिनों के लिए 24 घंटे और या बहुत ज्यादा। हेलो जी अब आ रही है बोलो। हाँ सर डीमोटिवेट के हिसाब से मेरा सर सवाल था कि हम जैसे बिल्कुल सही 2-3 दिन या 1 महीना 1 मंथ एक हर चीज सही चल रही होती है, हमें लग रहा होता है कि हम सीरा भी पढ़ रहे हैं और हर चीज सेट हो रही है, अचानक से फिर जिंदगी में कुछ मतलब जॉब के हिसाब से या कोई भी फैमिली इशू होता है जिसकी वजह से हम डीमोटिवेट हो जाते हैं और थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं उस चीज के जो हमारा
रूटीन में होता है कि भाई ये चीज हम जो आप या जो ग्रुप में है इसमें मीटिंग में शामिल होना है और जो टॉपिक मिले हैं जो रोड मैप या टास्क मिले हैं उनको कंप्लीट करना है, लेकिन थोड़ी देर के लिए मैं या कुछ और टीएलएस होंगे जो डीमोटिवेट हो जाते हैं, उनकी मेन वजह क्या हो सकती है और इससे कैसे बचा जा सकता है? और दूसरा सर जो मैम ने उसके हिसाब से मैं एक टिप्स देना चाहूंगा कि कुछ बच्चे जो अभी बड़े हुए हैं वो उनको भी हमें गाइड करने की जितना सही हो सके हो से, लेकिन अगली जनरेशन जो अभी नहीं आई इंशाल्लाह जाएगी तो हमें उन प्लानिंग करनी पड़ेगी जो भी बच्चे वो आएंगे में उस हिसाब से ट्रेन करे जिस हिसाब से इसने बनाया है। थैंक यू सर। आपका जो टिप्स वाला पार्ट था ना उसमें आपकी या शायद मेरे पास आवाज कट रही थी या शायद बाकी लोगों के पास हो तो इतना समझ नहीं आया, पर आप जो डीमोटिवेशन पे जो बात कर रहे थे ना तो मोटिवेशन का अप और डाउन होना ये हमारा नेचुरल साइकिल का हिस्सा है। हमारा इस तरह ईमान ऊपर और नीचे होता है, रसूल सल्लम ने वो बताया ना, साहबा भी ऐसी बात करते थे रसूल सल्लम से कि आपके साथ हम बैठे होते हैं बात सुन रहे होते हैं तो हमारा ईमान ऐसे ठाठे मार रहा होता है, घर जाते हैं तो बीवी बच्चों में लग जाते हैं, हमारा ईमान का वो लेवल नहीं रहता। तो उस पर रसूल सल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हारा ईमान कांस्टेंट रहे ना ऊपर तो फरिश्ते तुमसे आके मुसाफा करना शुरू कर दें। तो ये साहबा के साथ भी मामला होता था, हमारे साथ, हमारे तो बहुत कमजोर ईमान है, हमारे साथ भी ये मामला होगा। और हमें ये आदत है कि हमें इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए होते हैं, हमें हर वक्त जो है ना कि बस अब वही हम काम करें और इधर रिजल्ट नजर आना शुरू हो जाए। तो इसके लिए बस अपने आप को हमने बार बार जब भी हम गिरे दोबारा अपने आप को उठाना है, फिर से नीचे से जीरो पे भी चले जाएं तो फिर से दोबारा मेहनत शुरू कर देनी है कि नहीं भाई मेरा मकसद इस वक्त ये नहीं है कि मैं बिल्कुल फाइनल स्टेज तक जो है ना अपनी आंखों से देख लूँ इस प्रोसेस को, बल्कि मेरा मकसद ये है कि इस प्रोसेस का मैं हिस्सा बन जाऊँ। जो दीन के फैलाने का, इस्लाम के गलबा लाने का जो प्रोसेस है इसमें मेरा हिस्सा पड़ जाए, और मुझसे सवाल इस चीज़ का नहीं होगा कि तुम कामयाब हुए कि नहीं हुए, मुझसे सवाल ये होगा कि क्या तुमने बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी एफर्ट की। वो बुरूज की आग बुझाने वो जो चिड़िया गई थी ना वो चोंच में पानी लेके, तो उससे भी यही सवाल हुआ था कि तुम्हारी चोंच से क्या फर्क पड़ेगा, तो उसने ही बोला भाई मुझसे मेरी चोंच का सवाल है। तो जितनी आपके पास मैक्सिमम एफर्ट है क्या वो कर रहे हैं नहीं कर रहे, मोटिवेशन डाउन हो गई है, कभी आपको लगा है नहीं मैं पूरी एफर्ट नहीं कर पाया, तो अपने आप को रिवाइटलाइज करें, फिर इरादा करें, फिर टूट जाए फिर करें, फिर टूट जाए फिर करें, सारी जिंदगी इसमें गुजर जाए, सारी जिंदगी इसमें गुजार देंगे, नहीं मैं दोबारा कोशिश करता रहूंगा, और अपने आप को दोबारा अपने ऊपर जबर करके मेहनत करके फिर से इस काम को दोबारा करूंगा। ये हमारे एक इंसान होते हुए हमारे एक साइकिल का हिस्सा है। Okay, so let's move towards the next question from Mahad Asif. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Is my voice coming? Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Ji to maine na first of all ye kehna ke jo pehle kanita aapne ye question yani raise kiya tha na bachon wala ये बच्चे सवाल करें, और सेकंड जो अली भाई ने सवाल किया था कि मोटिवेशन और डीमोटिवेशन वाला, इन दोनों के ऊपर मेरा एक एक कमेंट आप समझ लें या ओपिनियन समझ लें। वो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बच्चों वाला है वो ये कि मैं 9th क्लास का स्टूडेंट हूँ और मैंने जितना स्कूल के अंदर ऑब्जर्व किया बच्चों को या अकेडमीज के अंदर ऑब्जर्व किया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बड़ा मसला ये आ रहा है कि बच्चे सवाल ही नहीं कर रहे, उनकी डायरेक्शन ही कुछ और है, दे बेसिकली डोंट नो व्हाट इज एक्चुअली इस्लाम और उनका मकसद क्या है या उनकी ड्यूटी क्या है बीइंग अ इंसान एंड अ मुस्लिम। फर्स्ट ऑफ ऑल इंसान बनना ज्यादा जरूरी है, लेकिन वो जिस तरह के काम कर रहे हैं वो तो इंसानियत से भी नीचे है, यानी अपनी फितरा से भी ज्यादा डाउन जा रहे हैं। एंड सेकेंड ये कि IMS के अंदर आप सबने नोटिस किया होगा कि पहले चंद माह के अंदर जिस तरह से लोग एक्टिव थे और बहुत मोटिवेटेड थे काम करने के लिए कि वी विल इन्फ्लुएंस पीपल, लेकिन ऐसा क्या हुआ है कि जो दूसरों को जगाने आए थे वो खुद सो गए हैं, यानी इन सारों ने फॉर्म फिल किया था और IMS के अंदर ये लोग आए थे कि हम लोग दुनिया को जगाएंगे और हम लोग इन्फ्लुएंस करेंगे दूसरों को, लेकिन ये
आई डोंट थिंक सो कि ये कोई ईमान का मसला है। आई थिंक सो ये कोई पीछे रूट से चलती हुई कोई बीमारी आ रही है शायद, कि ये हो नहीं सकता कि जितनी मेरी एज के हिसाब से मैं सोच सकता हूँ कि जो लोग दूसरों को जगाने आए हैं वो खुद सो जाएं। मैं जिस ग्रुप में उसके अंदर 100+ लोग हैं, लेकिन स्टिल हार्डली 20 लोग एक्टिव होते होंगे, जबकि फॉर्म सारों ने फिल किया था और सब इन्फ्लुएंस करने के लिए आए थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ है कि वो सब सो गए। और सेकंड ये कि जो यूथ वाली बात है ना, स्पेशली 16 to 24, तो यहाँ काम बहुत ज्यादा खराब है। क्योंकि पहले तो जब मैं स्कूल के अंदर था तब जो हराम रिलेशनशिप्स की है, इस तरह जितने भी ऊट पटांग काम है, इन इनकी रेशियो में थी मेरे 5 5 में से 3 लोग। लेकिन अब वो रेशो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं प्राइवेट स्टूडेंट हो गया था, तो वो बेसिकली काम वर्स से वर्स होता जा रहा है। और वी हैव टू यूटिलाइज अवर सरकमस्टांस, जिस तरह जुनेद भाई ने बात की कि हमसे अपना पहले सवाल होना है कि आपने अपने सरकमस्टांस के अंदर क्या किया है। तो मैंने जितना अपने सरकमस्टांस को यूटिलाइज करने की कोशिश किया, मैं अकेडमीज के अंदर गया हूँ या मैं स्कूल्स के अंदर गया हूँ, कुछ यानी कुछ भी यूथ को इन्वॉल्व करने, तो सबसे पहले तो आगे से रिप्लाई ही आता है। यानी साइकी ये बन चुकी है कि वो आगे से कहते हैं कि ये बड़ा आगे हम लोगों को भाषण देने वाला, ये अब हमें लेक्चर देता रहेगा। दे एक्चुअली डोंट नो द वर्थ ऑफ इस्लाम, उन्हें पता ही नहीं है कि इस्लाम क्या है। और उन्हें सबसे बड़ी बात, उन्हें यही नहीं पता कि इंसान बेसिकली होता क्या है। वो बस अपना अपना लगे हुए हैं, बस स्कूल आते हैं, बातें शातें करते हैं और घर चले जाते हैं। सो बट बेसिकली ये सिस्टम तो करप्ट है ही है, लेकिन जिस तरह के हालात होते जा रहे हैं ना, तो यूथ को डायरेक्शन दिखाना उतना ही मुश्किल होता जा रहा है। क्योंकि जो हमारे अपने बच्चे हैं उनकी साइकोलॉजी एक जिसे कहते हैं ना नॉन मुस्लिम से भी काफी नीचे जा चुकी हुई है। वो उस तरह से सवाल ही नहीं करते जिस तरह से उन्हें सवाल करना चाहिए, बस सुनी सुनाई बातों पे रहते हैं और बस अम्मी अब्बू। सो दैट्स माय पॉइंट के दो, यानी आप इसे क्वेश्चन समझ लें कि ऐसा क्या था कि जो लोग दूसरों को जगाने आए थे वो खुद सो गए, क्योंकि मेरी अकल अभी इस चीज को नहीं मानती कि ऐसा हो सकता है कि जो बंदा विल शो करके आए वो खुद सो जाए। एंड सेकंड ये कि यूथ को डायरेक्शन हम लोग दिखाएं कैसे, क्योंकि वो तो टोटली बात सुनने से इनकार कर रही है और सवाल पूछना दूर की बात, वो सवाल कर ही नहीं रहे। यानी उनके आगे जो कुछ मर्जी जाके आप बोल दो वो बस चुप रहेंगे, या हाँ या ना कहते हैं। दैट्स इट, जजाकअल्लाह। इसमें जो पहली बात है कि जो खुद काम करने आए थे वो उनको क्या हो गया, तो ये जनरल हमारा एक है इशू कि हमारी मोटिवेशन जो है ना वो अप और डाउन होती है। और मोटिवेशन अप कब होती है इसको जब देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि उस काम को बार बार दोहराने की जरूरत है ताकि मोटिवेशन कंटिन्यू रहे, डाउन होने से पहले उस काम को दोहरा लिया जाए। तो अब कब हुई थी, जब हमने इस पूरे मिशन के बारे में सुना था और इसके पर्पस को समझा था और इसके ऊपर जो है ना एफर्ट्स डालने की हामी भरी थी। तो इसको बार बार दोहराने की जरूरत है, अपने टारगेट को, अपने मिशन को, अपने पर्पस को, ग्रुप्स के अंदर, अपने सर्कल्स के अंदर, IMS के अंदर बार बार इसको हमें रिवाइटलाइज करना है, बार बार इसको रिपीट करना है कि हाँ भाई ये पर्पस था, ये पर्पस था। याद करते रहेंगे तो मोटिवेशन वापस आती रहेगी, फिर हम डिस्कशंस में लग जाएंगे एक ऐसे मतलब उन बातों में जिनका कोई खास वो हासिल नहीं है डिस्कशंस में, और मेन पर्पस अपना भूल जाएंगे तो फिर मोटिवेशन डाउन हो जाएगी, आपकी जिंदगी में लग जाएंगे। तो ये मोटिवेशन अप रखने का तरीका है। दूसरा, बच्चों को किस तरह अप्रोच किया जाए, तो आज की सारी जो वो थी प्रेजेंटेशन, वो उसका मकसद यही था कि उसको 100% पॉपुलेशन को टारगेट करने के तरीके उनको कंसिडर किया जाए। और बच्चे अगर सवाल नहीं कर रहे तो पहले आप उनको इतना फिर अवेयर करें कि उनके अंदर सवाल करने वाली हिस्स तो पैदा होना कि भाई सवाल क्या होता है, क्या सवाल करना चाहिए, किस सवाल से दिमाग बड़ा होता है। तो जब आप उनका IQ फैलाएंगे, उनको ये चीजें समझाएंगे कि हाँ भाई ये भी सवाल होता है, तो फिर वो सवाल करेंगे और फिर आपके पास उनका जामे जवाब हो जवाब देने के लिए। तो मुझे उम्मीद है मैं आपके सवाल का जवाब दे पाया हूँगा।
जी, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट अंबर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मैंने दो तीन चीजें जो भी क्वेश्चंस हुए ना उससे रेलेवेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो एक फीमेल ने कहा था कि बच्चों की जो तरबियत की बात हो रही थी कि बच्चे कुछ जो कहते हैं कि मुसलमान घराने जो हमें वादा किया है, अल्लाह ने जो पैदा किया, हमसे कुछ तो डिसीजन हुआ, उसमें मेरा एक सवाल बनता है कि अगर वो सब कुछ ऐसा, अगर नहीं मतलब है ऐसा, लेकिन जब बच्चा जिस फैमिली में पैदा होता है और हम एज अ मुस्लिम भी देखते हैं कि हम अगर हमें कोई दूसरे मजहब की तरफ कन्वर्ट करने की कोशिश करे तो हम नहीं होते, क्योंकि कहते हैं ना 7 ईयर्स में आपका कैप लग जाता है, आप टोटली उसी फेथ में आ जाते हैं जिसमें आप जिस घर में पैदा हुए हैं, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, जो भी हो। फिर आप उसको जब बड़ा होकर बच्चा सेंसिबल होता है और खुद डिसीजन लेना चाहे तो वो तो बहुत बड़ा कैप है, उसको हटाते हुए तो बहुत बड़ा पत्थर होता है उसके लिए। मैं गैर मुस्लिम की बात करी हूँ, एज अ मुस्लिम हम सोचे कि हमें किसी और जगह पे किसी और मजहब में कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो हमारी बर्थ से लेके 7 ईयर्स तक, 10 ईयर्स तक इतना बड़ा कैप है कि हम उसको हटा ही सकते हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ा मिशन होता है। हाँ, ये अलग बात है कि अगर हमने वादा किया था और हमने खुद डिसीजन लिया था हम मुस्लिम घर में पैदा होंगे, वो लोगों ने कहा हम किसी और जगह पे पैदा होंगे, तो वो तो फिर डिसीजंस हम भूल चुके। जैसे कि अभी ये कह रहे हैं ना कि बच्चों को मोटिवेट करना है, तो वो जिस सोसाइटी में फैमिली गैदरिंग्स में और फैमिली जो उनको एजुकेशन दी जाती है वो तो उसके अंदर होते हैं, उनको मोटिवेट करने से मैं कहती हूँ, हालांकि साहिल भाई भी यही कहते हैं कि हमें 16 से 24, 26 इस एज ग्रुप को ट्रेन करना है या छोटे बच्चों से लेके, लेकिन अभी ये कि जो छोटे बच्चे हैं उनको तो उनके पेरेंट्स ट्रेन कर रहे हैं, हमें पेरेंट्स को भी ट्रेन करने की बहुत शदीद जरूरत है, क्योंकि उनको भी नॉलेज नहीं है सच, वो अपनी तरफ से अपने बड़ों की चीजों को लेके फॉलो किए जा रहे हैं। तो क्वेश्चन मेरा ऐसा सच नहीं था, लेकिन यही था कि वो तो कैप इतना बड़ा है उनके ऊपर मजहब का या बर्थ से लेके टिल 10 ईयर्स तक, 12 ईयर्स तक, तो वो तो बहुत मुश्किल होता है उनके लिए उस चीज से हटना कि हम फिर वो किसी और मजहब को पिक कर सकें, और प्लस फैमिली का भी उनके ऊपर डेफिनेटली प्रेशर होता होगा। बस यही कहना चाह रही थी मैं। थैंक यू जी। थैंक यू अंबर। आई एम मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अफसा साइद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे एक्चुअली बात करना चाह रही हूँ, अपना पॉइंट ऐड करना चाह रही हूँ जो कानिता ने क्वेश्चन किया बच्चों के हवाले से। एक तो मैं उसमें पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ कि बच्चों को हम ट्रेन करें मीडिया के थ्रू या डिजिटल मार्केट, जैसे डिजिटल हैं हमारे पास सोर्सेस, उसके थ्रू हमें ट्रेन करना चाहिए बच्चों को इस्लामिक लेवल पे। कि अगर हम बच्चों को, मतलब बच्चे को हम अगर टिकटॉक अकाउंट बना कर देते हैं तो रोज की उसकी वीडियो बनाएं जिसमें बच्चे बहुत खुशी से बनाते हैं और उन इंजॉय भी करते हैं साथ साथ, मतलब हम उनको रोज का कोई ना कोई ऐसा टॉपिक दें छोटा सा, या वर्ड्स मीनिंग दें कुरान मजीद में से ही, या मुजक्कर मुअन्नस दें, या फिर अल्फाज मुतजाद दें कुरान मजीद में से ही, तो वो छोटे छोटे जो वर्ड्स होंगे वो बच्चे इस तरह याद कर लेते हैं, तो वो याद करके उनकी वीडियोस जो हैं वो हम टिकटॉक पर डाल सकते हैं डेली की बुनियाद पर। और दूसरी बात यह है कि पेरेंट्स का ना लिंक रखना बच्चों के साथ 24 आवर्स रखना चाहिए इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, कि चलते फिरते काम करते हुए मदर उनसे लिंक करती रहे, कुछ ना कुछ उनसे पूछती रहे, और फिर उनको अप्रिशिएट करे, और सिस्टर्स और ब्रदर्स को आपस में मतलब उनका कंपटीशन करवाए। फिर टिकटॉक अकाउंट के अलावा हम फेसबुक और यूट्यूब चैनल जो होते हैं, इन सारी चीज़ों को हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस्तेमाल करें तो बच्चे इसमें काफ़ी इन्वॉल्व भी होते हैं, पार्टिसिपेट भी करते हैं, और फिर खुशी से वो चीजें याद भी कर लेते हैं जो उन्होंने वीडियो बनवानी होती है। फिर वो रोज अपना लाइक्स वगैरह देख के, कमेंट्स वगैरह देख कर भी उसमें और मोटिवेशन आती है कि ये मतलब उनको अच्छा लगता है। अब तो ये है ना कि हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं वो कुरान मजीद के टॉपिक से या इस्लाम के किसी भी टॉपिक से ना दूर भागते हैं, उनको कोई अट्रैक्शन नहीं लगती इसमें, तो जब हम इस जरिए से उनमें अट्रैक्शन पैदा करेंगे तो आई थिंक जल्दी पैदा होगी और बच्चे फिर खुद इस तरफ आएंगे, उनका जो इंटेलेक्ट है वो इस्लामिक लेवल में बढ़ेगा, ऊपर जाएगा। तो एक तो ये बात करना चाह रही थी, और दूसरा जुनेद भाई ने माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन में जो बताई है हमें ये सारा कुछ बहुत अच्छे तरीके से बताया माशाल्लाह। और इसके अलावा जो स्कूल है ना हमारे, जैसे स्ट्रीट स्कूल होते हैं छोटे छोटे, तो उन स्कूल्स में भी हम ना, जैसे हम जानते हैं अगर कुछ पेरेंट्स दीन के हिसाब से जानते हैं
वाकिफ हैं तो वो उन स्कूल से प्रिंसिपल से राबता करके वहां भी पेरेंट्स के लिए ना 15 डेज बाद या 1 वीक बाद पेरेंट्स के लिए एक फ्री ट्रेनिंग उनको देने के लिए बच्चों के हवाले से, इस तरह भी हम मुख्तलिफ स्कूल्स में रख सकते हैं अपने तौर पर जितना हमारे अंदर हमारा इंटेलेक्ट है या हम उनके लिए कर सकते हैं। अगर फ्री ट्रेनिंग होंगी पेरेंट्स के लिए तो आई थिंक वो आएंगे, सुनेंगे, या अगर कुछ ने भी सुना और उनको इंटरेस्ट पैदा हुआ और उसमें उनको टिप्स बताए जाएं कि बच्चों को किस तरह आप लोगों ने रेडी करना है और उनका इंटेलेक्ट भी बढ़ेगा पेरेंट्स का, और फिर आगे वो जब बच्चों पे यूटिलाइज करेंगे तो उनका भी, मतलब अगर हम स्कूल से लिंक करते हैं तो उनको हम उनसे कुछ लें ना बल्कि हम उनको दें अपनी तरफ से जो भी हमारे हम खर्च कर सकते हैं अपना आप अपना जो स्किल है उसको यूज करें, जो पेरेंट्स कर सकते हैं जिनका इंटेलेक्ट इतना है, तो इस तरह से भी हम पेरेंट्स को भी रेडी कर सकते हैं और बच्चों में भी ये चीजें जो हैं वो डाल सकते हैं। तो यही मैं कहना चाह रही थी कि डिजिटल हवाले से ना हम बच्चों को बढ़ाएं। इसके अलावा IMS में जैसे बड़ों के लिए सेशंस होते हैं, डिस्कशंस होती हैं, इस तरह बच्चों के हवाले से भी कोई ऐसे सेशंस होने चाहिए जिसमें बच्चे पार्टिसिपेट करें, क्विज कंपटीशन हो इस्लामिक लेवल का, बच्चों से पूछा जाए और फिर उनको अप्रिशिएट किया जाए रोज के हिसाब से, बाकायदा उनके नंबर्स जो है और ग्रेड्स जो है वो लगाए जाए ताकि जो बच्चे हैं उनमें जो पेरेंट्स हैं इस वक्त मौजूद है IMS में कम अज कम उनके ही बच्चे अगर हम ले लें तो इससे भी काफी हम जो है इस्लामिक लेवल का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको बढ़ा सकते हैं, बच्चों में भी बढ़ा सकते हैं और बड़ों में भी। तो ये भी IMS को इस पे भी जरा गौर करना चाहिए। शुक्रिया, जजाकल्ला। बहुत शुक्रिया अफसा, आपने जो भी पॉइंट्स IMS के लिए ऐड किए हैं आई रिक्वेस्ट कि आप फीडबैक फॉर्म में भी उसे ऐड कर दें जी। और सुनिए, अगर आपने कुछ कहना है, कोई रिप्लाई करना है तो आप कर सकते हैं। ये चैट में एक वो कंटिन्यूएशन क्वेश्चन आया कि उन लोगों के बारे में सवाल किया जा रहा था जो बिल्कुल ऐसा नहीं कि मोटिवेशन डाउन हुई है पर वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं, कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तो उस पे जवाब यही है कि भाई जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे ना वो आए तो थे ना, आए थे, क्यों आए थे, क्योंकि उनकी मोटिवेशन उस वक्त पैदा हुई थी। हम तो इसकी अच्छी उम्मीद से ही सोचेंगे ना, वो इसीलिए आए थे क्योंकि उनकी मोटिवेशन पैदा हुई थी। और क्यों हुई थी, क्योंकि उन्होंने एक ऑब्जेक्टिव को सुना था, समझा था, उसके इम्पैक्ट को रिसीव किया था और सोचा था कि हाँ ऐसे इम्पैक्ट आएगा, और फिर उसके लिए उन्होंने हामी भरी थी कि हाँ हम आएंगे। तो इसलिए उस चीज को रिवाइटलाइज करना, बार बार उसकी याद दहानी कराना, करते रहेंगे तो मोटिवेशन अप रहेगी, उसको छोड़ देंगे दूसरी चीजों में लग जाएंगे तो मोटिवेशन डाउन हो जाएगी। दूसरा, आपने अभी जो सिस्टर बात करी थी, उनका नाम मेरे जहन से निकल गया, वो कह रही थी अफसा के काम हम बच्चों को जो है ना इस तरह उनसे वीडियोस बनवा के डालें, और ऐसा मेरे ख्याल में थोड़ा डिविएट कर सकता है उनको मेन मिशन से, कि उनको बजाय इसके कि अल्लाह के लिए वो काम करें, अगर वो लाइक्स किया उसके लिए काम करना शुरू कर देंगे तो फिर उनका अलग माइंडसेट बन जाएगा, वो फिर ऐसा ना हो कि वो आखिरत में हो, है ना, कि जो काम खालिस अल्लाह के लिए किया गया है उसका ही अजर मिलेगा, जो काम फिर आपने लोगों की उसके लिए किया कि हाँ भाई लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं तो वो फिर खसारे में चला जाएगा। तो कोशिश करें, कोई भी जो आपने टेक्निक लगानी है ना, इसलिए जो प्रेजेंटेशन में कहा था कि उसको वेरीफाई करें किसी प्रॉपर आलिम या मुफ्ती से कि ये काम करना ठीक है नहीं है, फिर उसको टेक्निक को जो है ना आगे अप्लाई करने की पूरा उसका निकालें टेक्निक। जी ठीक हो गया। और एक और चीज मैं ऐड कर दूं यहाँ पे कि कमेंट सेक्शन में आ रहा है कि IMS की तरफ से कुछ कंप्लेंट्स हैं, तो मैं ये बता दूं कि IMS जो है ना वो इन सब टील से मिलके बना है, आप सब लोगों ने मिलके ही IMS को ग्रो करना है और आप सब ने मिलके ही IMS को आगे लेके चलना है। तो अगर आप लोग अपने विजन को क्लियर नहीं रखेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो आई रिक्वेस्ट कि आप अपना इनपुट दें और उम्मीद अल्लाह ताला से रखें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें जो है सक्सेस जरूर देगा। ओके इकरा अशरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम यू, और प्लीज अपने क्वेश्चन को थोड़ा प्रिसाइज रखें बिकॉज टाइम सर्दियां हैं तो अजान भी हो चुकी है, नमाज भी पढ़नी होगी लोगों ने, तो क्वेश्चन को प्रिसाइज रखें ताकि हम सेशन को जो है जल्दी एंड कर सकें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, मेरा छोटा सा क्वेश्चन है सर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू अप्रिशिएट के बहुत प्रिसाइज आपकी प्रेजेंटेशन थी। सेकेंडली एक स्लाइड थी आपकी
एग्रीगेट स्कोरिंग के नाम से, जहां पर आपने एक टाइप ऑफ वेटेड ओवरले एनालिसिस करा हुआ है रीच, इम्पैक्ट और टाइम को यूज करते हुए. आई जस्ट वॉन्टेड टू आस्क के वो किस तरह, मतलब क्या क्राइटेरियन आपने सेट किया जिसकी बेसिस पे आपने कुछ जो है वो इंडिकेटर्स को ऑन टॉप प्रायोरिटी रखा और कुछ को जो है बॉटम लाइन कर दिया. तो प्लीज अगर आप उस स्लाइड को थोड़ा सा एलैबोरेट कर दें. थैंक यू. वालेकुम सलाम जी. अच्छा, इसमें इस तरह है कि जितना भी डाटा सेट है ना, फर्ज करें रीच का डाटा सेट है, वो इंटरनेट सोर्सेज से जो डिफरेंट सर्वेज होते हैं उससे पता लगता है कि भाई फेसबुक इतने परसेंट पर पॉपुलेशन है ना, या इतना बड़ा नंबर पॉपुलेशन का वो इस्तेमाल कर रही है, इंस्टाग्राम इतना बड़ा नंबर, ट्विटर इतना बड़ा नंबर, न्यूज़पेपर इतने लोग पढ़ते हैं, बुक्स इतने लोग पढ़ते हैं, वो सारा डाटा सेट उसके पीछे एक रिसर्च है जिससे पता लगता है कि रीच कहाँ तक जाएगी. इम्पैक्ट जो है वो सर्वेज के जरिए ही पता रहेगा. अभी वो प्रेडिक्टेड है कि हाँ भाई इसका इम्पैक्ट इतना है बेस्ड ऑन के आपने जाना जो ऑब्जर्व किए अभी तक अपनी लाइफ में, और उसको इम्पैक्ट को आप पोस्ट एप्लीकेशन ऑफ जो आपने चैनल यूज किया है कि जब आपने बुक लिख दी है फिर आपको उसका इम्पैक्ट नजर आया तो आपको पता लगा अच्छा भी एक्चुअल इम्पैक्ट इसका इतना है, तो इसको इस सोर्स को हम जो है ना ज्यादा इस पे फोकस कर सकते हैं कि बुक्स पहले लिखी जाए. तो वो अभी प्रिडिक्टेड है और ये स्कोर जो है ना फिर उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं. वो टाइम वाला जो है वो भी एक एस्टिमेट्स हैं बेस्ड ऑन कि कौन सी चीज में कितना टाइम लगेगा, तो उसके एक्चुअल वैट के कैलकुलेशंस की जा सकती हैं. एवरी इंडिविजुअल चैनल दैट यू डिसाइड कि भाई मैंने फर्ज करें मैंने सोचा है कि मैंने स्कूल एस्टेब्लिश करना है, तो उसकी बकायदा उसकी एक कैलकुलेशन पेपर वर्क कितना उसके अंदर टाइम लगेगा और कितने मैन आवर्स कितने रिसोर्सेज लगेंगे, इन सब चीज़ों की जितनी ज़्यादा वर्किंग होगी बैकग्राउंड में उतना ज़्यादा आपका स्कोर एक्यूरेट होगा, उतना ज़्यादा आपको डिसीजन मेकिंग के अंदर आसानी होगी. थैंक यू. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सादिया इरम. जी अस्सलाम वालेकुम. मेरा सवाल तो ये था कि ख्वातीन किस अंदाज में जो है वो काम करें कि बड़े लेवल पर वो काम कर सकें, क्योंकि घरेलू ख्वातीन खास तौर पे उनके लिए कोई ऐसा वो नहीं होता, घर के काम भी है और सोशल प्रेशर भी बहुत होता है, फैमिलीज भी नहीं पसंद करती. वो किस अंदाज में काम कर सकती हैं कि वो बड़े लेवल पे काम करना चाहें, तो जैसे अब सड़कों पे खड़े होना भी ज़ाहिर है एक औरत के लिए मुमकिन नहीं है, खास तौर पे अगर मुसलमान औरत का देखा जाए तो वो नहीं है, तो उसका क्या अंदाज होना चाहिए. दूसरे एक सवाल था भी, बच्चा है जिसने भी सवाल किया कि जो आए थे वो चले गए, उसके लिए वो मुझे हदीस याद आ गई कि रिवायत ये है कि हज़रत अबू हुरैरा हज़रत अबूबकर के पास गए और उनका मैं बड़ा परेशान हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही कि मेरी कैफियत ये जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हम बैठे होते हैं तो मेरा दिल जो है वो ऐसे होता है, उसकी कैफियत बड़ी मुख्तलिफ होती है, लेकिन जब मैं घर जाता हूँ अपने बाल बच्चों के साथ लग जाता हूँ तो मेरी कैफियत बदल जाती है और मैं जो है बिल्कुल और सा फील करता हूँ, यानी ईमान मेरा कम हो जाता है या ज्यादा हो जाता है, तो ये क्या कैफियत है. हज़रत अबू बकर ने फरमाया हाँ मुझे भी ऐसा ही है, तो चलो हम पूछते हैं. वो दोनों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, उन्होंने ये सवाल पूछा, तो आपने फरमाया कि ये ऐसा ही है, कभी इंसान की कैफियत ईमान की बहुत ज्यादा होती है और कभी उसके ईमान की कैफियत कम होती है, और अगर तुम हर वक्त उसी हालत में रहो जैसे मेरे पास होते हो या ऐसी बातें सुनते वक्त होते हो तो फरिश्ते तुम्हें रास्तों में सलाम करें, तुमसे मुसाफा करें, तो इंसान की कैफियत दिल की जो है वो ये चेंज होती रहती है. और ये हज़रत अबू बकर और हज़रत हुरैरा की बात हो रही है, तो आज के दौर में तो डिस्ट्रैक्शंस इतनी ज़्यादा है कि इंसान फौरन ही घूम जाता है, कभी किसी तरफ, कभी किसी मसरूफियत की वजह से, किसी के घर में कोई प्रॉब्लम आ गई है, किसी की जॉब चली गई है, तो ये ऐसे प्रॉब्लम्स हैं कि इंसान डिमोटिवेट कह लें उसे हो जाता है या वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, इसलिए वो काम नहीं कर पाता जो इरादा भी किया हुआ होता है तो वो नहीं कर पाता. और कई लोग जो है वो थोड़े देर से बाद फिर वापस भी आ जाते हैं, काम उनका ख़त्म हो जाता है या उनकी मसरूफियत से उनको टाइम मिलता है, तो ये इस तरह से है. तो बहरहाल मेरा ये सवाल था कि ये ख्वातीन का किस तरह किया जाए. एक तो ये तरीका है ना कि घर में वो करती रहें या अपनी फैमिली में, जैसे मैंने हमेशा ये किया कि मैं जिस जगह पे भी हूँ मैंने बात की है, कोई मेरे घर आया है, मैं किसी के घर गई हूँ, कोई महफिल है, कहीं पर भी हूँ,
तो मैंने अपने तौर पे जितना जो कुछ भी था कोशिश की कि इसको जो माहौल में गड़बड़ है उसको ठीक करने की कोशिश की जाए, उसके बारे में बात की जाए, लोगों को हल्के फुल्के अंदाज में समझा दिया जाए कि ये ठीक चीज नहीं है बस। लेकिन एक बड़े लेवल पे जैसे अब हम देखते हैं साहिल अदीम है वो इतने वर्ल्ड टूर कर रहे हैं, ये है वो है, इस तरह का अंदाज वो एक्सपेक्ट भी ये करते हैं, वो हमें भी ये कहते हैं कि आप लोग इस अंदाज पे आ जाए, तो हम कैसे आए? हमें सोशल प्रेशर भी है हमारे पे, उसके बारे में कोई बताएं कि क्या किया जाए या IMS हमारी मदद करे इसमें। खवातीन के लिए जो है ना आजकल काम करना रिलेटिवली पुराने वक्तों से काफी आसान है। इसमें आप ये देख सकते हैं कि जितने भी बड़ी इम्पैक्ट्स आए हैं दुनिया में, कोई आइडियोलॉजी चली है वो किताबों के जरिए चली है, कम्युनिज्म भी कैपिटलिज्म भी, फिर अबुल आला मौदूदी का अगर आप देखें कि उन्होंने जो तफहीमुल कुरान लिखी वो जेल के अंदर से लिखी थी, वो कोई बाहर बैठ के नहीं लिखी थी। तो अभी खवातीन जेल में तो नहीं है, वो एक तरह से मिनी जेल है, पूरी जेल तो नहीं है, पर आप अब तो इतना आसान हो गया बुक पब्लिश करना, उस वक्त तो बड़ा मुश्किल काम होता था, अब तो आसानी से घर बैठी बुक पब्लिश हो जाती, तो किताबें लिख सकती हैं, इल्म हासिल करें, किताब तो लिख सकती हैं ना। फिर आपके घर में जो गैदरिंग होती है उसके अंदर आप इम्पैक्ट डाल सकती हैं, बाकी डिफरेंट अब तो इन्फ्लुएंसर जो हैं वो लाजमी नहीं है कि वो इन्फ्लुएंसर अब मतलब बिल्कुल दीन के काम से हटकर इन्फ्लुएंस कर रहा हो, ऑनलाइन इन्फ्लुएंस के इतने जरिए हैं, औरतें कर रही हैं बहुत ज़्यादा, पर वो इन्फ्लुएंस अभी ज़्यादा जो है वो खाने पकाने के चैनल्स इस्तेमाल हो रहे हैं या उसके मेकअप के या इन चीज़ों के, तो वो दीन के काम भी वहाँ से भी उसके ज़रिए भी कर सकती हैं, उसके लिए लाजमी नहीं है कि वो अपना चेहरा सामने आया उनका। तो मेथड्स तो अभी बहुत हैं, बस करने वाले बनेंगे तो इंशाल्लाह रास्ते खुलते जाएंगे। दूसरा एक चीज़ वो जो भाई कह रहे थे डिमोटिवेशन वाली, उससे मुझे एक और बात याद आई कि एक हमारे ग्रुप के मेंबर हैं, उन्होंने मुझे बताया कि वो खुद इस तरह डिस्कनेक्ट हो गए थे, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे ग्रुप में, तो एक और ग्रुप के मेंबर ने इंडिविजुअली जब उनको दोबारा रिवाइटलाइज किया ना, उनको मैसेज किया, उनको बुलाया वापस याद दहानी कराई, तो इंडिविजुअल मैसेज उनको ज्यादा जोर से आके लगा और उसके ऊपर फिर वो वापस एक्टिव हो गए। तो ये भी एक टेक्निक है हमारे पास कि भाई अगर कोई मेंबर नहीं कर रहा पार्टिसिपेट, आप इंडिविजुअल उसको मैसेज या कॉल करके उसको दोबारा उसको याद दहानी उसको रिफ्रेश कराएं और उसको रिवाइटलाइज करें। जी जज़ाकअल्लाह। और अभी सादिया हम औरतों के हवाले से मैं एक चीज़ बता देती हूँ कि जैसे कि अल्लाह ताला ने ना हम सबको एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है, हर मुस्लिम के ऊपर एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये हमने खुद आइडेंटिफाई करनी होती है। अब जहाँ तक बात रही औरतों की, तो सबसे पहले जिम्मेदारी उनकी है कि वो घर पर जो है अपना इन्वायरमेंट ठीक करें, अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करें, तो और उन्हें बताएं कि सही क्या है गलत क्या है। अब अगर हम फर्दर स्टेप देखें कि जिन घरों में अवेयरनेस है, जिन्हें नॉलेज है, तो उन औरतों पे अगली जिम्मेदारी आयद हो जाती है, ठीक है। और अगली जिम्मेदारी आपको पता है कि आपने घर से बाहर निकल के बताना है, और अगर आपके घर में अवेयरनेस है तो इसका मतलब है कि आपके घर में रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी, ठीक है। अब रिस्ट्रिक्शंस नहीं है तो आप नेक्स्ट स्टेप पे मूव कर सकती हैं, तो नेक्स्ट स्टेप पे मूव करें और ऐसे ही अल्लाह ताला आपको अगला रास्ता बता देगा कि अगला थर्ड स्टेप क्या आपने यूज़ करना है और क्या लेना है। तो जितनी भी औरतें हैं यहाँ पे, उनकी सबसे पहली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके लिए जो सबसे पहली तरजीह होनी चाहिए उनका घर होना चाहिए। अगर तो घर पे सब ठीक है, आपको लगता है कि हाँ सबको अवेयरनेस है, तो आप स्टेप टू पे मूव कर सकती हैं। बट अगर आपको पता है कि आप स्टेप वन पे ही जो है स्टक हुई हैं, तो आपको पहले स्टेप वन को क्रॉस करना है, उससे पहले सॉल्व करना है, देन स्टेप टू पे मूव करना है। और अपने ऊपर ज़्यादा बोझ भी मत डालें कि मैं क्या करूँ, मैं कुछ कर नहीं पा रही। सबसे पहले तो आप ये देखें ना कि आपके ऊपर पहला जो स्टेप है उसे फॉलो करें, उसे कंप्लीट करें, उस टारगेट को अचीव करें, देन अल्लाह ताला आपको जो है ना दूसरा टारगेट भी इंशाल्लाह दिखा देगा, बता देगा। सो लेट्स एंड दिस सेशन ऑन इकबाल पोएट्री। इकबाल सेड, अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। फीडबैक फॉर्म आपके पास है, किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है वहाँ पे भी। अल्लाह हाफिज़।